इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न जाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न जाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति विश्वास कमजोर होना। शांति जयंती दीदी, सभी का स्वागत है। सबसे पहले पहले जब मोहिनी बहन जब ब्रह्मा बाबा से मिली तो बाहर से बाबा बहुत सिंपल दिखते थे, लेकिन बहुत रॉयल थे, जैसे आप अपनी पिक्चर में देख पा रहे हो पीछे। बहुत गौरवपूर्ण और बहुत नम्रता भी थी। और एक और बात उन्होंने कही कि एक फीलिंग कि बहुत एकदम संतुष्टता की उनसे फीलिंग आ रही थी। किसी और साधु संत से उन्होंने ये अनुभव नहीं किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा जो गहरी जो संतुष्टता की जो फीलिंग आ रही थी, और हम देख सकते हैं। आप इसके बारे में ज़रूर बात भी करोगे जयंती दीदी। ब्रह्मा हमेशा कहते थे मुझे नए घर में नहीं रहना, नई बिल्डिंग में नहीं रहना, ये बच्चों के लिए है। जब स्वेटर कोई लेके, जैसे दीदी की मम्मी ब्रह्मा बाबा के लिए लेके गई थी स्वेटर, तो बाबा ने वो भी वाप दे दी कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, बच्चों के लिए है। तो ये सारी बातें एक तरह से उनके गहरे जो संतुष्टता की फीलिंग है। और आखिरी बात जो मुझे कहनी है वो यही है कि संतोषी माँ जो है, जो हम जो नवरात्रि के दौरान पूजा करते हैं, तो वो भी क्या संतुष्टता की देवी है। तो सिर्फ उनको चना दिया जाता है, हाँ चना दिया जाता है ना, चना और गुड़ का प्रसाद भोग दिया जाता है, बस उसी में खुश हो जाती है। तो उसी में वो खुश हो जाती है। तो हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन आप अभी आपको मैं
आपको स्टेज देती हूँ. थैंक यू बहुत बहुत. थैंक यू. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. I've noticed how through many the object murlis मैंने देखा है कि सब पिछले कई मुरलियों में संतुष्टता के ऊपर बात हो रही है. बहुत समय से ये हो रहा है. तो बहुत अच्छा लगा ये कि कल जो बाबा ने संतुष्टता के बारे में जो बहुत गहराई से और डिटेल में बात की, बाबा बहुत खुश थे सबसे मिलते हुए. और बाबा ने क्या कहा, संतुष्टता जो है वो पवित्रता की पर्सनैलिटी है ब्राह्मण की. लौकिक दुनिया में क्या होता है, दो एक तरह की पर्सनैलिटी होती है. एक तो शारीरिक पर्सनैलिटी होती है, कोई बड़ा है स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत सुंदर है, तो ये पर्सनैलिटी होती है तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को. और दूसरी टाइप की पर्सनैलिटी क्या होती है, आपकी पोजीशन की पर्सनैलिटी होती है. क्योंकि आजकल तो एक पोजीशन तो हमेशा नहीं रहती ना. कितने भी मेहनत करो पता नहीं कब तक रहेगी वो पोजीशन. कभी भी आपसे वो छीन ली जाएगी आपसे वो पोजीशन और आप नीचे गिरोगे. तो लेकिन संतुष्टता जब है, पवित्रता है, संतुष्टता है अपने पर्सनैलिटी में, तो उस पर्सनैलिटी में क्या होगा, तो आपके चेहरे से आंखों से वो चमक दिखाई देगी. आपकी आंतरिक सुंदरता के कारण वो चमक दिखाई देगी. बाहर की सुंदरता की तो कोई बात नहीं है यहाँ पे. और उसका जो आधार है, जो आंतरिक जो संतुष्टता की स्थिति का आधार क्या है, जैसे आप बाबा के पास आते हो तो बाबा आपको सब कुछ दे देते हैं. बाबा आपको सर्व गुण, सारी शक्तियाँ, और बाबा आपको एक संपूर्ण ज्ञान दे देते हैं. तो कोई बचता ही नहीं है कुछ भी. लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बाबा आपका क्या वारिस बन जाता है ना. जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो कुछ अवेलेबल है, सब बच्चे का है. तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कि नहीं कहते हैं, नहीं आधा आपके लिए आधा उसके लिए. नहीं बाबा ऐसे नहीं कि मैं आपको दो गुण दे देता हूँ, दूसरे को दो. नहीं, सारे गुण, सभी को हक है सभी गुणों पर, सभी शक्तियों पर और संपूर्ण ज्ञान पर. और फिर तो और हर आत्मा के ऊपर फिर डिपेंड करता है आप कितना बाबा से लेते हो और अपने आप को भरपूर करते हो उससे, और अपने पास रखते हो और उसको यूज़ करते हो अपने जीवन में. और पवित्रता की जो पर्सनैलिटी की, जो संतुष्टता की, क्या बहुत बहुत प्यारी डेफिनेशन परिभाषा बाबा ने दी. और ये तपस्या का वर्ष है तो ज़्यादातर मुरलियों में हम कमेंट कर रहे हैं तपस्या वर्ष की बाबा बात करते हैं और अलग अलग प्रकार की डिटेल बता रहे हैं तपस्या के बारे में, परिभाषाएं बता रहे हैं. और इस केस में बाबा कह रहे हैं तपस्या क्या है, आपके तपस्या का सबूत क्या है. आप जो आपके मस्तक पर जो चमक रहे हैं ना, और आपका जो संतुष्टता की मणि जो चमक रही है, आपकी आंखों से क्या चमक रहा है, क्या वो क्या प्रकाश जो चमक रहा है वो संतुष्टता का प्रकाश है. आपका व्यवहार क्या है, आपकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, दूसरों के साथ आपका क्या व्यवहार है, तो वो आपकी ना तपस्या का फ्रूट दिखाई देगा. तो योग जो है, योग तो है वो तो विधि है ना, योग तो विधि है, लेकिन सिद्धि क्या होगी उसकी. तो ये सारे अनुभव जो आप देख प्रैक्टिकल लाइफ में जो देखोगे ना, वो सिद्धि होगी. हाँ, आपके 4 घंटे आपने योग किया, बहुत अच्छी बात है वो तो. और आपके पास एम है, आपका लक्ष्य है 8 घंटे योग का, वो तो बहुत वंडरफुल बात है. लेकिन तरीका है वो हाँ. लेकिन फिर बाबा एक्सप्लेन करते हैं स्पष्ट रूप से कि जो योग का जो रिजल्ट क्या होगा. अपने आप को चेक करो, तीन बातों के बारे में चेक करो खुद को.
और बाबा तो अपने 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 प्रति संतोष सर्फ के प्रति, बाप के प्रति, ड्रामा के प्रति, लेकिन इस बार बाबा ने अलग बात की। बाबा चाहते हैं कि हम एक्सपीरियंस करें अपने अंदर, हमारे अंदर क्या चल रहा है। पहला सवाल खुद से पूछना है, क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ? जो मेरा पुरुषार्थ है उसकी क्वालिटी से क्या मैं संतुष्ट हूँ? जो मैं परिवर्तन मेरे अंदर आ रहा है संस्कारों में, क्या उससे मैं संतुष्ट हूँ? क्या मैं दूसरों के साथ जो मेरा व्यवहार है उसके साथ मैं संतुष्ट हूँ? तो ये सब चीज़ें आप चेक करो, तीन तीन पहलू चेक करो, और फिर वो सब सेवा से संबंधित है सारी बातें। तीसरा जो पहलू है, किस हद तक आपसे दूसरे संतुष्ट हैं, आपके संबंध संपर्क वाले जो आते हैं वो कितने संतुष्ट हैं आपसे, तो ये तपस्या का जो फल होगा। आप देखोगे कि आत्मा जब नए भिन्न भिन्न स्टेजेस से गुजरती है, दो हिंदी शब्द हैं आप सभी जानते हैं, विधि और सिद्धि। हाँ, विधि और सिद्धि की जो फल मिलता है सिद्धि। फिर बाबा ने बात की कि कैसे अपने आप को फूल मत करो, अपने आप को ना बुद्धू मत बनाओ कि मुझे कोई चिंता नहीं है। इस तरह से क्या दिल से कर रहे हो या दिमाग से कर रहे हो आप? कि अब चित्त के अंदर इतनी ज़्यादा गहरी संतुष्टता हो, कितने प्यार की गहरी स्मृतियाँ हो अंदर चित्त में, और कुछ ना हो, और वो जो है प्रूव होगा कि हाँ सच में संतुष्टता है। अन्यथा आप कहोगे हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, दूसरे कुछ भी कहते रहे, बाबा कहते नहीं ऐसे ठीक नहीं है, ये सच्ची संतुष्टता नहीं है, ये तो अहंकार है। तो अगर मैं संतुष्ट हूँ मेरे अपने स्वयं से, तो दूसरे भी मुझसे संतुष्ट होंगे। अगर मैं सही राह पर हूँ तो सभी भी संतुष्ट होंगे मुझसे। फिर बाबा ने ये भी कहा कि भक्ति में मैं यादगार है शंकर का। शंकर, जब शंकर ने अपने तीसरा नेत्र खोला तो क्या हुआ? तो विनाश हुआ। तो आपकी जो तपस्या है, तो आपकी तपस्या याद की जाती है शंकर जो मेडिटेशन में बैठे हैं और अपने तीसरा नेत्र खोलते हैं ना। और तीसरा नेत्र जो खोलने की बात है, तो वो क्या है? आपकी अपनी संपूर्ण अवस्था तक पहुंचने का वो एक साइन है। बाबा लिंक कर रहे हैं कि पहली स्थिति क्या है, अपने आप को रिवील करना, प्रत्यक्ष करना कि क्या ठीक करना है खुद में, वो करना है। दूसरी स्टेज क्या है? आपकी आंतरिक स्थिति जो है संतुष्टता की, अपने व्यवहार से वो प्रत्यक्ष करो कि दूसरे भी देख पाए आपको और दूसरे आपसे सीख पाए। फिर आप तो आप फिर वर्ल्ड स्टेज पे, विश्व की मंच पे खुद को और बाबा को प्रत्यक्ष करोगे। और तीसरा जब नेत्र खुलता है, फिर कहा जाता है तो हर चीज़ विनाश हो जाते हैं, तो डांस होगा फिर, तो सारे जो तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, वो डांस, हाँ, जैसे उनकी उथल पुथल जो होगी, और ड्रामा और नेचर जो है वो इंतज़ार करते हैं। प्रकृति और ड्रामा तो वेट ही कर रहे हैं। लाभ पिछले तीन मुरलियों से बाबा ये बारे में बात करते हैं, और बाबा बात करते हैं कि तीसरा नेत्र खोलने का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि आप स्टेज पर आओ जहाँ पर, जहाँ आपके बाहर के जो कर्मेंद्रियाँ हैं, आंतरिक कर्मेंद्रियाँ हैं, वो आपके सारे आदेशों का पालन करें। आप मास्टर हो, अगर आपने सीख लिया, आप अपने सारे कर्मेंद्रियों का मालिक बन के कर्म करोगे और उनको ऑर्डर करो, तभी आप प्रकृति को भी ऑर्डर कर सकते हो, आदेश दे सकते हो, जो खुद के ऊपर जब कंट्रोल है तो। और बाबा ने ये भी कहा है कि तपस्या
तो आप में ये शक्ति है अपने जो भी संकल्प है उनको रोकने का, और आप में वो शक्ति है, क्षमता है, जो भी विस्तार हो गया है उसमें फुल स्टॉप रख करने लगाने का, और जो भी विस्तार है उसको बस सार में लगा दो, सार में ले आओ और फुल स्टॉप लगा दो। सवाल नहीं पूछो, क्या, क्यों, कैसे, क्यों, ऐसे मत पूछो, क्या, ऐसे सवाल नहीं करो। बस आप क्या, आप जानते हो कि इस पल जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा है, वो ठीक है, बस जो मुझे क्या करना है, बस फुल स्टॉप लगाना है मुझे बस। और जब मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ तो फिर मेरे आंतरिक मन बुद्धि संस्कार हैं, जो मेरी शक्तियाँ हैं, वो मुझे फॉलो करती हैं। तो बस फुल स्टॉप लगाएं तो फुल स्टॉप लग जाए। जब मैंने ये सीख लिया कि मास्टर अपना खुद का, मेरे आंतरिक जो शक्तियाँ हैं उनका मैं मालिक बन जाऊँ, तो प्रकृति भी मेरी आज्ञाकारी बन जाएगी। बाबा ने कहा है आप तो साथ सब मिलके विश्व शांति के लिए योग करते हो, आप साथ सब बैठते हो और एक ही प्रकार का विचार क्रिएट करते हो, हाँ, संसार को शांति का दान देने के लिए। और फिर कब ऐसा होगा जब सारे उस शक्ति के साथ और इस दृढ़ संकल्प के साथ कि बस परिवर्तन हो जाए, कैसे, कब होगा ये सब? और कुछ लोग हैं ऐसे, बाबा मैं तैयार नहीं हूँ बाबा, अभी मुझे तो बहुत कुछ करने है, ये करने है, वो करने है। बाबा ने कहा, बाबा मैं भी तैयार नहीं हूँ बाबा, मैंने तो योग किया ही नहीं है पूरा, मैंने तो पूरा योग किया ही नहीं है, ना ज्ञान किया है। तो जो भी बाबा को हम कारण देते हैं तो एक पल आता है तो वो जो सुनता नहीं है, फिर बाबा जो सारे बहानेबाजी है ना, सुनते नहीं है वो। ये अभी समय है बस तपस्या में बैठने का, जो कुछ है आप औरों को देने का, जो जिनकी उनको ज़रूरत है। जब हम साथ मिलके वो संकल्प लेकर बैठते हैं परिवर्तन का, तब तो प्रकृति के तत्वों का वो डांस होगा, नृत्य होगा, तो फिर संसार में शांति होगी। तो फिर जो है ना, सारे तत्व भी पवित्र सत्व प्रधान बन जाएंगे और फिर सभी भी परमधाम से आएंगी आत्माएं बिल्कुल पर शांत सत्व प्रधान अवस्था में। फिर नया अनुभव होगा सबको। फिर बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया सार में कि मन वचन कर्म से कैसे सेवा करनी है। बाबा ने कहा मन शक्तिशाली हो, तुम्हारे शब्द कैसे हो, वाचा नॉलेजफुल हो, मन शक्तिशाली, वचन और हमारे कर्म कैसे हो, लवफुल हो। और मन वचन कर्म पर अगर हम ध्यान देते हैं तो फिर तो एकदम से ध्यान होगा सबका, सबको इसका प्रभाव पड़ेगा एकदम कि अरे ये तो कुछ बड़ी चीज़ है। तो अगर वो मेरे जीवन में, मेरे पर्सनैलिटी में वो परिवर्तन देखते हैं तो वो कहेंगे अरे हाँ कुछ अलग है यहाँ पे। हाँ, शंकर की स्टोरी है प्योरिफिकेशन की, तो ऊंची अवस्था तक पहुंचने की और बाप से पूरा वर्षा लेने की। बाबा डबल फोर्नर से बात करते हैं, बाबा कह रहे हैं कितना बाबा का प्यार है, भारतवासियों का भी बाबा से, बाबा को बहुत प्यार है, बाबा तो भारत में ही आते हैं इसलिए बाबा को पता है हर एक को कैसे खुश करना है। फिर बाबा याद दिलवा रहे हैं डबल फोर्नर्स को कि हाँ आप मधुबन में आ सकते हो, आप मधुबन में आके रह भी सकते हो, लेकिन जब आपने सारी सेवा पूरी कर ली ना,
सबको ज्ञान दे दिया भगवान कहाँ है, कौन है, कैसे घर जाना है। तो उसके रिजल्ट आपने वो सारा संदेश दे दिया, बहुत लोग आएंगे यहाँ पे, फिर बाबा के पास पहुँचेंगे। तो हमने जब वो कार्य अपना कर्तव्य पूरा कर दिया बाहर का, और अगर हमने अंदर से भी वो कार्य पूरा कर लिया तो सारी जो हलचल है वो खत्म हो जाएगी, और हर कोई जान पाएगा कि यहाँ एक ही भगवान है, और उसका भगवान का नाम है शिव। तो उस पल की हम इंतज़ार कर रहे हैं जब भगवान संसार को पहचानेगा, हाँ ये ही है कि ये है भगवान के महावाक्य। हाँ मैं जानती हूँ कि बहुत प्यारा मोमेंट होगा, वो पल होगा हम सभी के लिए, वो सब जब सारा संसार जानेगा। मैं देखती हूँ कि इस जूम में भी कितने शक्तिशाली, कितनी ऐसे सेवाओं के प्रोग्राम शुरू हुए, और कुछ में बदलाव भी आया है। लेकिन आज बाबा तपस्या की मुरली जो मैं बता रही है कि हमारी जिम्मेवारी है हमें भाई और बहनों के प्रति, तो उनको भी घर पहुंचाने की हमारी जिम्मेवारी है। बहुत प्यारी शक्तिशाली मुरली है संतुष्टता के ऊपर। तो स्वयं को संतुष्टता से भरना है, और कौन जानता है कि भाई हो सकता है अगला ड्रामा में सीन क्या होगा, पता नहीं हमें। तो मैं वो सारे इमेजेस और सब अपने दिल में होल्ड कर, और फिर क्या होगा हमारे आगे जो भी, तो हमारे जो ना विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होगा। फिर मैंने जब सुना किसी ने कहा है कि कैसे हम हर एक को संतुष्ट दें, तो ऐसे ऐसे, तो मैं कहती हूँ हाँ हमें संतुष्ट बनना है, पहले कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, तब हम वो बन सकते हैं जो औरों को संतुष्टता दे सकें। तो बहुत शक्तिशाली मुरली है, अप्लाई करनी है, अपने जीवन में धारण करनी है। ओम शांति। थैंक यू जयंती दीदी। जयंती बहन, एक हमेशा सवाल रहता है कि बहुतों ने पूछा ये सवाल आध्यात्मिक यात्रा में, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है किसी का, बहुत कुछ है उसके पास, उनको पार्ट प्ले करना है, उनको अच्छे कपड़े पहनने हैं, उनको तो पार्ट प्ले करना, अच्छा कार, जैसे जिस एरिया में मैं थी, मतलब मिडिल ईस्ट में, तो उनमें एक अपराध भाव होता है उनमें, कि उनको लगता है कि हम संतुष्ट हैं, हाँ, लेकिन वो फिर भी उनको बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैं हमेशा ही, तो जो कुछ आप करते हो उससे आपको शांति, ठीक है आप महंगे कपड़े खरीद लो, कोई बात नहीं, क्योंकि अपराध भाव होता है कि अरे हम कैसे खरीदें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्या करें, मतलब उनको कहते हैं कि नहीं हमें तो, हाँ मतलब ये जो अपराध भाव है इसको कैसे विजय पाएं। मैं कहूँगी कि नहीं, एक फैशन मॉडल मत बनने का आप एम रखो, कि औरों के साथ ठीक है, लेकिन एक बहुत असादगी भरे व्यवहार में रहो, सादगी से रहो। आप औरों को बता सकते हो कि मैं इन चीज़ों को अभी नहीं करती, मैं अपने मेरा जो स्रोत है, मेरा पैसा है, सबको मैं मानवता की सेवा में लगाना पसंद करूंगी। आपको फैशन मॉडल नहीं बनना है, तो पहले दस में नहीं रहना आपको फैशन में, तो अपना बेस लाइन बनानी पड़ेगी कि हाँ कुछ स्टैंडर्ड तो मुझे रखना है लाइफ में, हाँ मेरे पास पैसा है इसीलिए, लेकिन नहीं, लेकिन मुझे
तो ऐसा नहीं कि फिर जहाँ पे हमें एंटर करो लोग मेरे को देखना शुरू करें कैसे कपड़े कैसे ज्वेलरी पहने इसलिए, लेकिन नहीं, आप वो स्टेज वो अवस्था बना सकते हो, लोग आपको प्यार करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपको समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो ठीक होगा। तो आप कंपटीशन नहीं है आपके आपके नेबर्स के साथ या किसी के साथ, आप संतुष्ट हैं जो कुछ है आपके साथ। जैसे बाबा ने आज कहा, आपका जो चेहरा जो है वो दिखाए कि आप कितने संतुष्ट हो, कितनी चमक है आपके चेहरे पे। बाबा ने कहा ना, जब आप संतुष्ट फील करोगे तो आप अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, मित्रों को भी कर सकते हो, जो भी आप आता है वो भी महसूस करे आपसे कि ये गरीबी का रास्ता नहीं है, ये खुद के लिए सजा देने का मार्ग नहीं है, लेकिन ये आप मिडिल, बहुत ऊंचा भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं, लेकिन कंफर्टेबल रहना चाहिए, जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो ठीक लग रहे हैं आपको ये? ओके। और दूसरा सवाल भी, दूसरा सवाल है इसी से संबंधित, मतलब कितना पर्याप्त है? शूज और बैग की तो बात भी नहीं कर रही मैं, लेकिन दादिया जब सेवा पे गई, दादी जान की दो साड़ी लेके गई बस, कितना बैलेंस कैसे, प्रैक्टिकल और इनफ, लाइक हाउ मच इज इनफ, मतलब क्या बता सकते हो आपकी स्टोरी कि मतलब हाउ मच इज इनफ, मतलब कितना पर्याप्त होगा, कितना होना चाहिए जिसको हम पर्याप्त कहेंगे। तो दीदी कह रही कि मैं इतनी खुश थी शुरुआत में, इतना अच्छा लग रहा था, इस साड़ी सिर्फ साड़ी वाइट साड़ी मुझे इतना खुशी हो रही थी मुझे कि अरे मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि कल जो पहना था वो आज नहीं पहनना, ये वो, तो इतना अच्छा मुझे लगता था, फ्रीडम की फीलिंग आती थी। अब कहते लोग कहते क्या आपको पसंद हो, क्या आपको चाहिए, क्या कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ले आते हैं, ओके, तो वो कहते हैं कि चलो उसके अलावा कि आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बाबा के बॉक्स के लिए कुछ देते हैं आपको। तो वो समझने लग गए अभी कि हाँ मुझे सच में सब कुछ मेरे पास है, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सच में आपको कुछ चाहिए तो आप ज़रूर किसी को बता सकते हो और वो आपको दे सकते हैं। तो इसीलिए एक समय समय आता है जब आप संतुष्ट हो जाते हो, अब सच में कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है आपके कबर्ड्स को क्यों भरना फालतू में, कल के इस मोमेंट में बहुत आपको पता चलता है कि नहीं चाहिए, अभी बस इनफ है, आपको पता चल जाएगा इनफ, नहीं चाहिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए और। लेकिन फिर भी दीदी ये पुरुषार्थ से ही तो है ना दीदी, डिपेंड करते कितना पुरुषार्थ आप करते हो कि मेरी जर्नी में देख सकती हूँ। जब मैं अंदर से फुल फील करती हूँ तो आपको लगता है आपको बाहर चीज़ें नहीं चाहिए अपने को, फिर एक प्रोसेस है ये धीरे धीरे। एक सवाल है कि प्रैक्टिस कि कंटेंट होने के लिए, संतुष्टता के लिए क्या अभ्यास करें। तो दीदी कह रही है बस धन्यवाद का भाव रखें, जैसे मैंने पहले भी कि धन्यवाद के भाव के ऊपर ना एक अभ्यास करो कि जो मेरा दिल बिल्कुल फुल है अभी, किसी के साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया है। मैं बाहर देखो और मेरे से बड़ा सेंटर है, ज़्यादा मेरे से बड़े स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं, किसी कोई कर रहे हैं, बहुत चीज़ें आ सकती, कंपेयर करो, लेकिन बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है। बाबा ने आज बात की कि सिर्फ शक्ति और गुणों की नहीं, लेकिन ज्ञान की बाबा ने बात की। हर दिन बाबा हमें कितनी फ्रेश मुरली रोज़ देते हैं, कितने हमें विवेकपूर्ण बातें, गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो कितना हमें संतुष्ट बना देते हैं।
बस ये ज़रूरी है अपने ब्लेसिंग्स को आप देखो कि बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया है और क्या चाहिए मुझे, क्या किस क्या मांगू मैं आपसे। अगर उस ज्ञान को अपने जीवन में यूज़ कर रही हूँ तो सच में हर चीज़ सही हो जाती है। आपका पुरुषार्थ, आपके रिलेशनशिप, आपकी सेवा सब ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर से असंतुष्ट है ना, क्योंकि हम जो बाबा ने दिया उसकी सराहना नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो अंदर से असंतुष्टता है। तो सच में पहचानो उसको और उसको सराहना करो और उसको यूज़ करो, तब हम संतुष्टता की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल से संबंधित है दीदी जो आपने कहा, मैं उसे पूछती हूँ। आपने इसका जवाब दे दिया, शायद फिर भी मैं पूछूंगी कि अंदर क्या लैकिंग है, क्या कमी है, वो देख पाना बड़ा मुश्किल लगता है, इसका क्या तरीका है। कि बाबा के साथ अपना समय बिताओ साइलेंस में, तो अब ढूंढो धीरे धीरे अपने मेरे जो असंतुष्टता का क्या कारण है। अपने साथ बाबा के साथ साइलेंस में समय बिताओ और आपको पता चलेगा। और बाबा को एक बाबा आपको बिल्कुल फुल कंप्लीट कर देंगे। बस आपको ना मेरा जो अहंकार है जो मुझे देखने से रोक रही है कि क्या चीज़ की कमी है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो ये चीज़ ना बहुत अहंकार की है असल में। तो बुद्धि की बातें हैं सिर्फ, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक नहीं है। दिल तो असंतुष्ट है, दिल कंप्लीट सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहा है। तो बाबा के साथ साइलेंस में टाइम बिताओ, अपने देखोगे आप कि भाई क्या चीज़ की कमी है। बहुत अलग अलग तरीके हैं, एक तरह से योग कर सकते नहीं, लेकिन जब बाबा बात करते तपस्या की तो इसका अर्थ है खुद को समय देना, गहराई में अंदर जाने का, ताकि कि सच में मैं खुद को देखूं। मुरली जो है वो आईना है, मुरली के साथ मुरली को चेक करो, आप देख पाओगे कि क्या चीज़ आप रिलेट कर पाते हो मुरली से, फिर आपको पता चल जाएगा कि मुरली तो आईना है। तो मुरली को आत्मसात करना, उसको समाना, ज़्यादातर हम कनेक्ट नहीं करते चीज़ों को ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अगला सवाल है दीदी, कोई पूछ रहा है, बाबा ने कहा है नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल, हाँ इसके अंदर कोई सटल्टी है कि लेकिन ड्रामा का तो मुझे पता है, लेकिन क्या ड्रामा से मैं गहराई से मैं समझती हूँ। कुछ भी चलता रहे दुनिया में, लेकिन मैं बिल्कुल अंदर ये फीलिंग रख सकूँ नहीं, सब ठीक हो रहा है। एक तो है ड्रामा के थियरी, एक है सच मुझे उसको अनुभव करना, कि ड्रामा की मिठास को अनुभव करना, संतुष्टता में अनुभव के अनुभव में रहना, जो कुछ भी उथल पुथल चारों तरफ हो रहा है लेकिन मेरा मन संतुष्ट रहे, स्थिर रहे, तो मेरी स्थिति बिल्कुल स्टेबल रहे। तो बाबा ने तो मुझे बता दिया है सब कुछ कि तो सब हो गई, क्या मैं मुझे करना क्या चाहिए कि मुझे सबको शांति देनी है ना। ऐसा नहीं कि हम भी ऐसे क्या क्यों ये कैसे होगा क्या होगा, नहीं, वो नॉलेज फिर नहीं है। नॉलेज फुल अपने को जा बनना है ना, तो देखो हमें क्या करना है उस चीज़ में। सिर्फ नॉलेज नहीं, ओ ड्रामा बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब परिस्थिति आती है प्रैक्टिकल में तो उसको हम यूज़ करें तो नॉलेज फुल कहेंगे। हाँ जयंत दीदी, हमने ब्रह्म विष्णु शंकर को बहुत कवर किया है, लेकिन एक कुछ शंकर के बारे में आप कोई कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, शंकर का जो रोल, शंकर का क्या रोल है। विष्णु साकार में है, ब्रह्मा साकार में है। So, could you just elaborate on why Baba said what he did?
तो ओरिजिनल पिक्चर जो है ब्रह्मा बाबा के फेस, ब्रह्मा बाबा का फेस ही विष्णु भी है एंड शंकर भी ब्रह्मा का ही फेस है। आप सभी ने देखा होगा ओरिजिनल पिक्चर्स, कहीं ना कहीं देखी होगी आपने, बाबा का ही फेस है तीनों जगह, ब्रह्मा विष्णु शंकर में ब्रह्मा विष्णु का जो कनेक्शन है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ही वो रोल प्ले करते हैं जो बहुत सालों तक बाबा तपस्या में बाबा बैठे और फिर शिव बाबा की सेवा में, शिष्य बाबा की सेवा में मदद की, आत्माओं को टच किया। असल में ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है, जो शिव बाबा के करीब है वो रीजन ना, वो जो वतन है, जो जो तपस्या का, तपस्या का है ना, वो बाबा शंकर का पार्ट प्ले करते हैं, तो वो भी शंकर भी वहीं पर रहता है। तो ब्रह्मा बाबा जो है वो शंकर के रोल में, जो डिस्ट्रॉयर है, जो विनाशकारी जिसे बोलते हैं, जो संसार को विनाश की बात कर दे नहीं, लेकिन जो जो बुराई का खात्मा करता है वो शंकर। तीसरा नेत्र खोलना मतलब क्या, कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ खराब है, किसको खराब खत्म करना है। तो हम हेल्पर्स हैं ना, हम ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हैं ना, हम स्थापना के कार्य में मददगार हैं हम, लेकिन हम बाबा को तपस्या में मदद कर रहे हैं ताकि संसार को परिवर्तन हो जाए जल्दी से, जब सही समय आएगा। तो जो बाबा हमें बता रहे हैं कि सही पल आएगा जब आप सभी साथ साथ वो गहरा पुरुषार्थ करोगे जो संपूर्णता में पहुंचने का, और तीसरा नेत्र पूरी तरह से खुलेगा और हर एक का जो कलेक्टिव, जो सामूहिक रूप से जो एक विचार होगा और परिवर्तन हो जाएगा, चीज़ें फटाफट बदलनी शुरू हो जाएंगी और जो तत्व हैं वो अपने जो तत्व जो हैं वो भी हलचल में आ जाएंगे। अभी तो अभी कर रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन हम देखेंगे कि जहाँ कहाँ पे बाढ़ आई हुई है, कहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ है, आंधी चल रही है, सब कुछ, और आप बिल्कुल शंकर हैं उस समय। आपका तीसरा, आपके तीसरा नेत्र पूरी तरह से खुला है, आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हो, बिल्कुल स्टेबल हो, स्थिर हो, आप शांति की अवस्था में हो अंदर से बिल्कुल। तपस्या जो है वो वाइब्रेशंस, जो शांति के वाइब्रेशन सबको देना, तो फिर वो आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो आप ये, और आप उनको बताओ कि मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, तो आप उनको रास्ता दिखा पाओगे, हाँ, ऊपर ऊपर सिचुएशन से ऊपर उठने का उनको रास्ता बताओगे, सूक्ष्म वतन तक जाने का बताओगे और घर जाने का रास्ता बताओगे कि हम बाबा के, हम मददगार हैं, सेवाधारी हैं, क्योंकि जल्दी ही वो समय आने वाला है, दूर नहीं है वो। बाबा ने कहा है कि वो क्लीन करेंगे, नॉट कि सिर्फ विनाश करेंगे लेकिन सफाई भी करेंगे, ये बताया ना बाबा ने। अगला सवाल है, एक कहानी मैं आपको बताना, एक कहानी है जगदीश भाई की, उसने कहा है, जगदीश भाई ने कहा जो मधुबन में जब आते थे तो अकोमोडेशन दिया जाता था उनको बाबा के सामने, निर्वेर भाई का जो जहाँ रहते थे पांडव भवन में, वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता था। वो कहते हैं कि वो जानबूझ के अपना लाइट ऑन करते छोड़ देते थे, सुबह सुबह भी जल्दी चला लेते थे, बाबा देखते थे अच्छा लाइट ऑन है, तो दादी किसी दादी को बोलते थे उसको बुला के लाओ, उनको पता है कि बाबा मुझे बुलाएंगे लाइट जल रही है तो अपने कमरे की। और बहुत गहराई से वो बात करते हैं, संतुष्टता की बात करते हैं कि बाबा के साथ बहुत प्यार की बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कनेक्शन जो है कि बाबा जो संतुष्ट और केयरफ्री के बारे में जो बात कर रहे हैं कि हमें दिख रहा है हमें ये कि हाँ अगर आप संतुष्ट हैं तो केयरफ्री हैं लेकिन बेफिक्र हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में दीदी?
क्यों मैं केयर फ्री नहीं हूँ? क्योंकि मेरे अंदर चिंता है, क्यों चिंता है किसने मुझे क्या किया, इसने क्या किया, कि मैंने ड्रामा को समझा नहीं है, इसका मेरा जो भूतकाल है वो मुझे बहुत दुख दे रहा है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी बहुत एंजाइटी दे रहा है, तो फिर मेरे निश्चय को क्या हुआ, मेरी संतुष्टता को क्या हुआ? तो मैं पास्ट को देखूं, उसको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये हो गया, ओके, वो चेंज हो गया, ठीक है, उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो। जो वर्तमान है, जो कुछ चल रहा है, क्या चिंता है, बाबा तो मुझे सब कुछ दे रहे हैं। और फिर भविष्य जो है, जो आज हम जो बीज बो रहे हैं, तो बहुत प्यारा हमारा भविष्य लाएंगे वो, तो चिंता की क्या बात है। तो मुझे वो फुल स्टॉप का जो अभ्यास है वो करना पड़ेगा, तो हम सच में हम केयरफ्री बन सकते हैं। केयरफ्री तो नहीं तो बहुत ऊपर ऊपर का होगा। हाँ, फुल स्टॉप लगाना ही मतलब बेफिक्र बनना है असल में, नहीं तो चिंता करते रहते हैं। नहीं, मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं है, कि मैं संतुष्ट हूँ, हर चीज़ जो कुछ हो रहा है वो सही तरीके से हो रही है और सही समय पे होगी ही, हर बात चिंता की बात नहीं है। और मुझे समय हर चीज़ मिलेगी। चैट बॉक्स में जाने से पहले आज बाबा ने कहा है कि जो खुशी है, खुशी जो है कि हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है बुद्धि की खुशी और हृदय की खुशी, कि इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जिस तरह से मैं लोगों को देखूं, मेरी बुद्धि से मैं देखूं, तो जो मन जो है रिस्पोंड कर रहा है, ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कि बार बार में विचार आ रहे हैं मन में कुछ भी, लेकिन मेरी बुद्धि में एक क्षमता है कि पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से देखूं, या फिर दुख के नकारात्मकता के लेंस को लगा के देखूं। जो आपके आसपास जो लोग हैं, आप उन सबको देखो, आप बाहर दुनिया में खुश चेहरे नहीं देखते, ऐसे कॉस्मेटिक स्माइल भी नहीं, ऐसे एक ना खुशी संतुष्टता की स्माइल नहीं दिखाई देती। वो जो स्थिति है लोगों में, वो खुशी नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि हर जगह कुछ गलत देख रही है ना, हर जगह कुछ मिसिंग है, कुछ लैकिंग है। लेकिन जब मेरा जो बुद्धि ज्ञान से भरपूर है कि वो मेरे पास आए हैं, मुझे कुछ सबक सिखाने आए हैं, कुछ लेसन सिखाने आए, मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस बाबा के साथ रहना है और बिल्कुल सकारात्मक रहना है, कि ड्रामा जो है मुझे मेरी मंजिल तक लेके जा रहे हैं, मैं ड्रामा के साथ जा रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही। जब मैं ये देखती हूँ, तो जो मेरी बुद्धि जो है ना, वो भी खुशी से भरपूर रहेगी। नकारात्मकता जो है वो सिर्फ ऐसी फीलिंग्स नहीं, मेरा चेहरा ही बदल जाएगा। और नकारात्मकता जो है वो बहुत दिनों तक रहती है ना मन में, तो उसको ख़त्म करना है। इसलिए मैं पूछने का अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक अलग एंगल से बता देते हो हमें। चैट बॉक्स के सवाल ले लेते हैं अभी। हमेशा फुल स्टॉप लगाना आसान है, ब्रेक को कैसे पावरफुल बनाना, कि आखिरी बार और किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे अपसेट हो गए हम, तो मुझे घंटों लगे मुझे फुल स्टॉप लगाने में, तो क्या सच में ऐसा ही होता है कि आज भी घंटे ही लगते हैं? लेकिन क्या मैं इस पल में पहुंच चुकी हूं अभी, कि मैं अपने आप को मैं पकड़ लेती हूँ, जैसे कि नहीं, मेरा विचार कौन सी दिशा में जा रहा है, और अनुभव से कि मैं चेक करूँ, और अनुभव से कि हाँ, ये जो है, ये संकल्प जो है मुझे एक गहरे खाई में लेके जाएगा, उसको रोको उधर ही। और दूसरा विचार ऐसा होगा जो आपको, जो मुझे ऊँचा उठा देता है,
और मुझे जैसे उड़ाने में मदद करेगा, तो ठीक है। तो अपनी बुद्धि को खुला रखो और अवेयर रहो। तो सारे के सारे जो जो हालात हैं उसके चपेट में मत आ जाओ। आप अपने कर्मों के मास्टर हो, मालिक हो। बाबा ने फ्लू की बात की, फ्लू ऑफ फीलिंग्स, फ्लू ऑफ फीलिंग्स की बात की ना बाबा ने, फीलिंग्स का फ्लू। तो उनको सेंटर पे जाना उनको पसंद नहीं है, उनको लगता है क्या घर पे रहना ठीक है, क्योंकि उनको सेंटर इंचार्ज पसंद नहीं है। क्या मैं घर रहूं क्या, कि मुझे पसंद नहीं, कि मैं घर रह के बात बाबा को याद करूं। मैं कहूंगी सेंटर पे जाओ, जो भी व्यवहार है आप कोई नहीं, आप सेंटर पे जाओ। बाबा ने कहा है हाल ही के मुरली में बोले, तो बाबा ने कहा ना कि अगर आपको आपको विजय माला का हिस्सा बनना है तो माला का पार्ट बनना पड़ेगा। आप अलग से एक दाना नहीं बन सकते हो, आपको जाना ही पड़ेगा। सिल्वर एज में भी, त्रेता युग में भी है, जैसे रोजरी होती है, माला होती है, तो ऐसा नहीं कि अलग अलग लोग। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो अपने आप को चेक करो कि क्या चीज़ है, मेरी गड़बड़ है क्या, क्या मेरी जलन है, क्या मैं गद्दी पे बैठना है, क्या क्या है, क्या मुझे नापसंद आ रहा है, कि बाबा ने शायद क्या बाबा ने बोला है कि डिसलाइक करना, नापसंद करना ठीक है क्या, क्या कारण है, बोलो। जो कुछ भी हो रहा है मेरे मन में, आप बहुत क्लियर उत्तर आएगा। अपने आप को चेक करो, आप क्यों नहीं जाना चाह रहे हो। मैं कभी नहीं कहूँगी कि घर बाबा के परिवार से दूर रहना, नहीं, ये बहुत एक आदत बन जाती है और उसके बाद आप उस एक अलग ही होने शुरू हो जाते हो, अलग अलग होना शुरू कर देते हो। और अभी लौकिक कॉन्टेक्ट्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, पेरेंट्स को जाते हो कभी कभी पेरेंट्स के पास, लेकिन आप ऐसे नहीं कहते कि चलो संडे आफ्टरनून फ्री है, चलो कॉफ़ी में अपने उसके साथ जाऊंगी, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। अभी अब तो अलग हो गए हो आप। ठीक है, लौकिक फैमिली से कनेक्टेड रहो, लेकिन स्पिरिचुअल फैमिली से भी कनेक्टेड रहो। वो आपका आईना होगा, आपका जो आध्यात्मिक जो परिवार है, दैवी परिवार, वो आईना है, वो आपको बताएगा आप कहाँ तक पहुँचे हो पुरुषार्थ में। लेकिन अकेले नहीं रहो घर पे। मैं मीटिंग से बाहर चले गए थे, मैंने सवाल थोड़ा मिस कर दिया। एक सवाल था, किसी ने सवाल पूछा था, बाबा को, बाबा कहते हैं ना, बाबा को प्रत्यक्ष करने की बात आती है। सवाल है, भगवान कैसे जानेगा, हमारे व्यवहार से जानेगा। हमें देखेंगे खुश शांत, जब संसार इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन की स्थिति में होगा, वो हमें इतना स्थिर शांत देखेंगे, हमारे पास आएंगे, उनको लगेगा इनके पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है। तो वो तो सेवा का दरवाजे खुल रहे हैं एक तरह से। तो बहुत सारे ऐसे अपने आप को हमें तैयार करना होगा भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए। थैंक यू जयंती दीदी। कोई पूछ रहा है, कोई को शरीर छोड़ देता है, यंग है वो, और डिस्ट्रक्शन होती है
master, does that mean that their status and their destiny was fixed in that previous birth? तो उनका जो स्थिति फिक्स हो चुकी है। The Brahmin family, yes, definitely. It's my conscious birth now as a Brahmin. मतलब कोई जवान शरीर छोड़ देता है और उसके बाद विनाश हो जाता है तो क्या उसका स्टेटस फिक्स हो गया? ये कहती है हाँ बिल्कुल, जो मुझे समय दिया गया है उसमें मुझे करना है, तो उसको मैं कैसे यूज़ करूँ उस समय को? पहले मैंने जो कुछ किया, बच्चे को तो कुछ पता नहीं, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? और वो अनुभव करते हैं भगवान का प्यार। पहला पुरुषार्थ तो पहले हो ही चुका है, बच्चे तभी कुछ नहीं पुरुषार्थ कर सकता, जब आप बड़े होते हो तभी पुरुषार्थ हो सकते हैं। कभी कभी काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन एडवांस पार्टी आत्माएं जो है ब्राह्मण फैमिली में नहीं आती, वो बाबा की सेवा करती हैं, वो जहाँ भी ब्राह्मण उनको भेजते हैं तो उस दुनिया से, ब्रांच से, जहाँ से भी वो बाबा के पास लेके आते, कहीं ना कहीं से वो आत्माओं का वो पार्ट है। लेकिन ये जो पुरुष, ये जो जन्म है वो पुरुषार्थ का ही जन्म है कि जो संतुष्टता की पर्सनैलिटी है वो प्योरिटी से कैसे कनेक्टेड है। बाबा ने स्वच्छता की बात की है, तो बाबा ने हमें बताया है प्योरिटी के बारे में कि पवित्रता अर्थात क्या है, ऐसी संतुष्टता जिसमें कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, जब बिल्कुल आपकी हर स्टेज, जैसे आपकी स्लेट क्लीन है, संतुष्ट है, वो संतुष्ट, वो जो पवित्रता की जो स्थिति है, तो उसमें हम, मैं अपने आप को भगवान से जो भी जो मैं पा सकती हूँ वो पा सकती हूँ। तो पवित्रता जो है, स्वच्छता जो है, वो आधार है, उसके आधार पर ही मैं पा सकती हूँ बाबा से जो भी प्राप्तियाँ मुझे पानी है। और अगर संतुष्टता के मैं दोबारा से बात करूँ कि कोई डिज़ायर भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन कोई पश्चाताप भी नहीं है, जो एकदम जो क्लीनलीनेस है, तो मतलब जो स्वच्छता की जो एक स्टेज है उसमें कोई पश्चाताप नहीं है, कोई भी इस तरह की बात नहीं है, ये बात है। थैंक यू जयंती दीदी। आखिरी सवाल है, एक कोई विक्टिम कॉन्शियसनेस में है, कोई औरों को जो ब्लेम करते रहते, तुम्हारे कारण, तो उसको कैसे बाहर तो उनको बस गुड विशेष देते रहो, शुभ भावनाएं देते रहो। ड्रामा जो है उनको ज़रूर मदद करेगा कि मेरी जो खुशी है वो मेरे हाथ में ही है, जो कुछ बाहर कहेगा कुछ भी, उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उस तरफ उसको शुभ भावनाएं दो। और थैंक यू जयंती दीदी। प्यारे सॉन्ग से हम खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड टू अरुणा बेन। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।